हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे झारखंड की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट का नया फैसला आया है। तो चलिए जानते हैं कि हाईकोर्ट ने हमारे झारखंड में नियुक्ति को लेकर क्या बड़ा फैसला किया है। जो 2018 में फॉर्म फिलअप किए थे उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज आई है, क्योंकि 2018 में जो फॉर्म फिलअप किए थे केस होने की वजह से यहाँ पे हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि 2022 की नियुक्ति प्रक्रिया में भी 2028 में जो फॉर्म फिलअप किए थे वो यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। तो चलिए इसमें मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि ये वैकेंसी किसके लिए आई हैं। तो चलिए मैं इसे पढ़कर बताती हूँ। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता के विज्ञापन संख्या 04/2018 की परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कट ऑफ डेट को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए विज्ञापन संख्या 04/2018 की परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थी को उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में शामिल कराने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि जो अभ्यर्थी वर्ष 2018 की उत्पाद सिपाही परीक्षा में शामिल हुए थे वह सभी वर्ष 2018 की उत्पाद सिपाही परीक्षा में भी शामिल होंगे। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि इस रिट याचिका के अंतिम फैसले से परीक्षा फल प्रभावित होगा। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत को बताया कि उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वर्ष 2018 में प्रक्रिया शुरू की गई थी। परीक्षा संबंधी सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को वापस ले लिया गया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने फिर से विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन इसमें कट ऑफ डेट वर्ष 2021 रखा गया है, जबकि कट ऑफ डेट वर्ष 2018 होना चाहिए था। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा। तो यहाँ पे बात यही आ रही है कि जो 2018 में फॉर्म फिलअप किए थे और जो नियुक्ति प्रक्रिया हो रही थी वो अब 2022 में फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका एज ज्यादा हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग 2018 के अकॉर्डिंग ही इसमें डेट रखना चाहिए। जो कैंडिडेट उस टाइम फॉर्म फिलअप किए थे उनके लिए सिर्फ ये है। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और जैसे ही कोई और नोटिफिकेशन आती है मैं उससे आपको अपडेट कराऊंगी। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो इसका अंतिम फैसला 27 अप्रैल को आने वाला है, जिसमें 2018 में जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे उन्हें इस बार भी फॉर्म फिलअप करने का मौका दिया जाएगा।